पंजाबी समाज मुरादाबाद के तत्वाधान में लोहड़ी उत्सव एवं सम्मान समारोह का आयोजन दिल्ली रोड स्थित क्लासिक वेंकट हॉल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से हुआ। बच्चों द्वारा पंजाबी गीतों पर नृत्य कर समा बांधा गया, साथ ही गिद्दा एवं भंगड़ा सहित लोक गीतों के माध्यम से पंजाबी संस्कृति की छवि देखने मिली। इस अवसर पर डॉक्टर राजीव कुमार ने लोहड़ी का इतिहास बताते हुए कहा कि लोहड़ी हर्ष और उल्लास का त्यौहार है, ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है। यह त्यौहार आपसी भाईचारे को बढ़ाता है। इस अवसर पर पंजाबी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बंधुओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भूपेंद्र सिंह, रंजीत सिंह दुआ, योगेंद्र सिंह, के धवन, गुलशन आहूजा, ललित चौधरी, डिंपल सिंह, देश रतन कत्याल, कमल गुलाटी, काले पहलवान प्रमुख रूप से शामिल रहे। कार्यक्रम कराया गया और किस जगह? आज मुरादाबाद पंजाबी समाज के द्वारा हमारा जो प्रमुख त्यौहार है लोहड़ी, उस लोहड़ी के पर्व को यहाँ पर आज मनाया गया। और इसके साथ ही हमारे पंजाबी समाज की जो शख्सियत है, जो विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रही है, इस मुरादाबाद की सेवा कर रही है, ऐसी इस विभूतियों को भी हमने सम्मानित करने का ये कार्य किया है। प्रतिवर्ष हम लोग इस त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते आए हैं। इस बार क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, इसलिए हमने बड़ी सीमित संख्या में जो नियम हैं शासन के नियमों के अंतर्गत ही आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें खूब समाज के लोगों ने मस्ती की है, धूम मची है, बच्चों ने अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी है और सब ने बहुत आनंद के साथ आज इस पर्व को मनाया है, लोहड़ी का पर्व। और मैं लोहड़ी के पर्व की सभी मुरादाबाद वासियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस वर्ष ईश्वर हमारे इस पूरे समाज को सुख दे, समृद्धि दे और सबको स्वस्थ रखे और हमारा देश जल्दी ही इस कोरोना नामक जो बीमारी है उससे मुक्ति पा सके। बहुत बहुत बधाई, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।